देखिए, कल शाम को 112 पे ये सूचना मिली थी कि वैष्णवी कॉलोनी है मनवापुल थाने में, कि वहाँ पे किसी लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। जैसे ही सूचना 112 पे मिली, पैरेलली सूचना थानाध्यक्ष को भी मिली, थानाध्यक्ष तुरंत वहाँ घटनास्थल पे पहुँचे। पहुँचने के बाद ये पता चला कि एक पीड़ित जो है महिला है, लड़की है सॉरी, तो वो अपने एक फ्रेंड के साथ उस सुनसान जगह पर बैठी हुई थी। उसी दौरान चार लड़के वहाँ पर आए, चारों लड़कों ने उस महिला के जो फ्रेंड हैं उससे मारपीट किया गया, और महिला के साथ दो लोगों ने, उन चार में दो लोगों ने दुष्कर्म किया। जैसे ही हम लोगों को सबको ये सूचना मिल गई, तो थानाध्यक्ष द्वारा FSL की टीम को तत्काल बुला लिया गया, साक्ष्य संकलन किया गया, महिला को तुरंत ही उसकी मेडिकल जाँच के लिए GMCH भेज दिया गया, और महिला थानाध्यक्ष द्वारा उसका बयान लिया गया। SP महोदय तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँचते ही उन्होंने मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। आवश्यक निर्देश सर के द्वारा हमें प्राप्त हुए। उन्हीं निर्देशों के आलोक में हमने जो है कि अपराधियों को चिन्हित किया, जो ह्यूमन इनपुट है, जो टेक्निकल इनपुट है, सबके आधार पर, और चिन्हित जो अपराधी हैं उन सबको हम लोगों ने छापामारी करके महज कुछ घंटों में ही हमने उसको अरेस्ट कर लिया। कल भी मैंने बताया था आपको कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का यह ध्येय रहता है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी कांड का उद्भेदन कर लिया जाए, और कल तो हमने लगभग 4 से 5 घंटे में इसका उद्भेदन कर लिया। जो लोग गिरफ्तार किया गया सर, चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम इस प्रकार है: इरशाद कुरैसी, शहजाद, बैदुल खान, फरहान, और ये सभी लोग कालीबाग के रहने वाले हैं। जो छापेमारी दल थी मेरे नेतृत्व में, उसमें मनोज कुमार जो इंस्पेक्टर हैं टाउन थाना, ज्वाला कुमार जो कि इंस्पेक्टर हैं टेक्निकल सेल के, उसके साथ साथ सुधा कुमारी जो SHO हैं महिला थाना, विवेक कुमार बालेंदु जो SHO हैं कालीबाग, और जो मनवा पुलिस SHO हैं नरेश।